नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। आज हम आपके लिए विदिशा जिले के गद्यबा सौदा से भक्ति और उत्सव की एक दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, जहां 40 दिनों की रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए पूरा शहर एकजुट हुआ था। गद्यबा सौदा की सड़कें खुशी और उत्साह से सजी हुई थी, क्योंकि शहर बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ भगवान जगन्नाथ के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हवा जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठी, क्योंकि पूरा समुदाय भव्य स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा था। भक्तों और उनके प्रिय देवता के बीच आस्था और श्रद्धा पूरे चरम पर थी। समाज के सभी वर्गों के लोग गलियों और मोहल्लों से निकलकर थालियां बनाकर रथ यात्रा के गुजरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भक्ति इतनी गहरी थी कि लोगों ने कंकड़ पत्थर उठाकर और सड़कों पर झाड़ू लगाकर सड़कों से धूल साफ करने का बीड़ा उठा लिया। आस्था की 11 किलोमीटर की यात्रा में अभूतपूर्व 15 घंटे लगे, लेकिन शहर के हर वर्ग और विभिन्न संगठनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उत्साह संक्रामक था और शहर जय जगन्नाथ के हर्षित मंत्रों से गूंज उठा। जुलूस में विभिन्न स्थानों पर तोरण द्वार लगाए गए। इसमें एक मंत्रमुग्ध वातावरण उत्पन्न हो गया, जो जगन्नाथपुरी की याद दिलाता है। यहां तक कि जिनके घर सीधे मुख्य सड़क पर नहीं थे, वे भी रथ यात्रा का स्वागत करने के लिए गाय के गोबर से रंगोली बनाने और फूलों की वर्षा करने के लिए निकले। हाथ में पूजा की थाली और सिर पर मंगल कलश लेकर महिलाएं अपने प्रिय भगवान के स्वागत में मंगल गीत गाती रहीं। पुरुषों ने पटाखे फोड़े, बैंड और डीजे की धुन पर नृत्य किया और उत्सव का उत्साह बढ़ाया। रथ यात्रा दिव्य तिकड़ी को लेकर स्टेशन रोड पर नौलखी मंदिर में अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले 40 दिनों में 1200 किलोमीटर का मार्ग तय करती थी। स्वागत इतना भव्य था कि पूरा शहर एक दिन के लिए जगन्नाथपुरी में तब्दील हो गया। विभिन्न सामाजिक संगठन, व्यवसाय और हिंदू समूह अलग अलग स्वागत द्वार बनाते हैं और सभी को प्रसाद वितरित करते हैं। विभिन्न स्कूलों के छात्र रथ यात्रा मार्ग पर उत्सुकता से भगवान जगन्नाथ स्वामी के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। वह यात्रा जिसमें पूज्य संत जगन्नाथ दास जी महाराज की तस्वीर वाला रथ शामिल था, ने सागर के अखाड़ा मंडली और हर गाँव के भजन समूहों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रथ यात्रा के अंतिम पड़ाव पर विधायक हरि सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक निशांक जैन, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। आस्था और भक्ति का यह भव्य उत्सव भक्तों और भगवान जगन्नाथ के बीच अविश्वसनीय बंधन की याद दिलाता है। सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं थी, बल्कि प्रेम और भक्ति से साफ किए गए पवित्र मार्ग थे, जिससे पूरी यात्रा अटूट विश्वास का प्रमाण बन गई। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।